इंडिया के किसी भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपको पढ़ाई करनी है या मैनेजमेंट की डिग्री के लिए IIM जाना है तो सबसे पहले आपको एक फिल्टर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। IIT JEE, CAT, MAT, NET जैसे नाम तो आपने सुने ही होंगे। IIT JEE, CAT और MAT के ऊपर तो आपको क्विक सपोर्ट पर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी, आप प्लीज जरूर देखिएगा। और आज बारी है CMAT की, यानी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट की। तो चलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं ये नॉलेजेबल जर्नी। CMAT एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन पाने के लिए क्रैक करना होता है। इस टेस्ट के जरिए AICTE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स अपने लिए सूटेबल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को चूज करते हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए एडमिशन दिया जाता है। साल 2018 तक AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन खुद CMAT कंडक्ट करवाता था, पर 2019 से ये जिम्मेदारी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दी गई। अब CMAT का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर आपके लिए डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो CMAT एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है जिससे कैंडिडेट्स की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी स्किल्स को चेक किया जाता है। CMAT के स्कोर सभी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और एफिलिएटेड कॉलेजेस में एक्सेप्ट होते हैं। CMAT को इंट्रोड्यूस करने का भी ना एक छोटा सा इतिहास है। एक्चुअली 2011 तक मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए बहुत से एंट्रेंस एग्जाम अस्तित्व में थे जैसे CAT, JMAT, XSET, गीतम सेट, NMAT, स्नैप मैट वगैरह वगैरह। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स, मैनेजमेंट एसोसिएशन के एग्जाम्स और प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स। तो AICTE ने CMAT लॉन्च कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जाम्स से होने वाले फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाया जा सके। 2015 तक CMAT को साल में 2 बार करवाया जाता था, फिर इसे साल में 1 बार करवाने का डिसीजन लिया गया। पिछले साल मई 2023 में CMAT करवाया गया था जिसपे 75,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था और एग्जाम दिया था 58,000 कैंडिडेट्स ने। 126 शहरों के 248 सेंटर्स में हुए इस एग्जाम को CCTV की निगरानी में करवाया गया था। साथ ही एग्जाम सेंटर पर इंटरनेट जैमर्स भी लगे रहते हैं। चलिए अब CMAT की तैयारी की जाए तो इस पूरे प्रोसेस को हम कुछ पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना जरूरी है। तो CMAT में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 5, जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सभी सवाल यहीं से आते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन और टोटल टाइम मिलता है 180 मिनट। इस टाइम लिमिट में टोटल 400 मार्क्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर सही जवाब पर 4 मार्क्स और गलत जवाब पर 1 नंबर कटता है। CMAT का एक लौता लैंग्वेज ऑप्शन है इंग्लिश। अब सिलेबस को समझ लेते हैं तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में एलजेब्रा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, ज्योमेट्री, ग्राफ, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशंस जैसे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग, लीनियर अरेंजमेंट्स, नंबर सीरीज, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट जैसे सवाल आते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, पैरा जंबल्स वगैरह से कैंडिडेट की काबिलियत को चेक किया जाता है। वही जनरल अवेयरनेस के सवाल इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर और सोसाइटी से आते हैं। आखिर में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी, मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक्स आते हैं। जैसे लंका पहुंचने के लिए श्रीराम की वानर सेना ने सागर पर सेतु बनाया था, बस उसी तरह हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ब्रिज का काम करते हैं स्टडी मटेरियल्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर CAT बाय अरुण शर्मा, अरिहत पब्लिशर्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटम CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू IIMS बाय सर्वेश के वर्मा, और NCERT क्लास 8th, 9th और 10th की NCERT मैथमेटिक्स की किताबें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए MC ग्रॉ हिल एजुकेशन का हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर द CAT बाय अरुण शर्मा, और पियर्सन पब्लिशर का लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर द CAT बाय निशित के सिन्हा से हेल्प ले सकते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए पियर्सन गाइड टू वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर द CAT बाय निशित के सिन्हा, और अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी करने के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय पीटर F. ड्रकर,
एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन मैनेजमेंट बाय आर गोपाल, एंटरप्रेन्योरशिप बाय रॉबर्ट डी हिस्रिच और मनोरमा ईयरबुक बाय मैमिन मैथ्यू को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएसएमई मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेंचर कैपिटल स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड टू एंड एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज रहेगी तो आप यहां से आने वाले सवालों के जवाब भी दे पाएंगे। और सीमैट एग्जाम के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में खुद को एक्सेल करने के लिए जीके की किताबें प्राइमरी रिसोर्स होती हैं। कॉन्वेंशनल जीके के बारे में तो आप किताबों से जान ही लेंगे, पर करंट जीके के लिए न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स को पढ़ते ही रहना होगा। वहीं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से जुड़े जीके जैसे चेंजेस इन फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी, CRR, रेपो रेट, डीवैल्यूशन एंड अपवैल्यूशन ऑफ रुपीस जैसी नॉलेज के लिए इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, द फाइनेंशियल टाइम्स, हिंदू बिजनेस लाइन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे अखबार और मैगजीन्स को फॉलो करने की एडवाइस दी जाती है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस सीमैट की तैयारी का एक एसेंशियल पार्ट है। इससे कैंडिडेट्स को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने में मदद मिलती है और वो सवाल जिनका आंसर कैलकुलेशन करके निकालना होता है, कैंडिडेट्स उसे एफिशिएंटली और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाते हैं। मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा एडवांटेज है एग्जाम के लेटेस्ट स्ट्रक्चर, पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझना। इससे कैंडिडेट्स लंबे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को पढ़ने के आदि हो जाते हैं, कौन से सवाल अटेम्प्ट करने हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल को समझ पाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो इन सभी प्रैक्टिसेस से एक्चुअल एग्जाम के लिए रियल टाइम परफॉर्मेंस बेहतर होता है। मॉक टेस्ट देने से कैंडिडेट का रिविजन भी होता है और टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स पर क्लैरिटी भी बढ़ती है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले मॉक टेस्ट में हिस्सा लीजिए। अब ढेर सारे स्टूडेंट्स में ये दुविधा भी रहती है कि सीमैट की तैयारी कोचिंग लेकर करें या सेल्फ स्टडी से, तो चलिए इसका जवाब हम मिलकर ढूंढते हैं। अगर आप सीमैट को कोचिंग की मदद से क्रैक करना चाहते हैं तो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना एक टफ टास्क है, क्योंकि कोचिंग सेंटर कितना भी बढ़िया ही क्यों ना हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसके लिए अगर हर सेक्शन की इंडिविजुअल कोचिंग मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो किसी कैंडिडेट से फीडबैक लेकर के आगे बढ़ना सही रहेगा। वहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन सीमैट कोचिंग लेना एक सही ऑप्शन होता है, क्योंकि उनके लिए रेगुलर क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा ऑनलाइन सीमैट कोचिंग हाल ही के दिनों में पॉपुलर भी हुई है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम एफिशिएंट भी। वहीं अगर आप सेल्फ स्टडी से सीमैट की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो रिकमेंडेड बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस क्विजेज और मॉक टेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ना कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ना होगा, जैसे कि सबसे पहले अपना प्रिपरेशन टाइम चूज कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो डेडिकेशन के साथ कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। अगर आपने सीमैट का एग्जाम पैटर्न समझ लिया है और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर ली है तो अपने हिसाब से एक सूटेबल स्टडी स्केड्यूल बना करके सीमैट क्लियर कर सकते हैं। आपका प्रिपरेशन मोड क्या होगा, कोचिंग या सेल्फ स्टडी, ये तय करके आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर काम करना होगा और अपने पास अवेलेबल प्रिपरेशन रिसोर्सेज के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके पास सही स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। किताबों की बात करें तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अगर कुछ सजेशंस मिल रहे हैं तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोचिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस होगी। सिलेबस की पढ़ाई के अलावा भी आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना होगा। देश दुनिया में चल रहे करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट्स पर आपकी नजर रहेगी तो एग्जाम में आने वाले सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करते करते अपनी हेल्थ ही खराब कर लें। इसलिए भरपूर नींद, अच्छा खाना और स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। साथ ही पॉजिटिव एटीट्यूड रख कर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सक्सेस रेशियो भी काफी हाई रहेगा। हो सकता है कि आप 1-2 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर ना कर पाए तो गिव अप ना करें, पेशेंस के साथ अपनी गलतियां सुधारते हुए आगे बढ़ें। वैसे आपने कई एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि सिर्फ 3 महीने में कीजिए सीमैट की तैयारी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या अगर होगा भी तो कैसे? तो इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे क्या एग्जाम से रिलेटेड फंडामेंटल्स की क्लैरिटी है आपके पास और क्या आपके बेसिक्स क्लियर हैं? सीमैट का सिलेबस किताबों से क्लियर करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन सीमैट प्रिपरेशन मटेरियल भी एक्सेस करना होगा। प्रिपरेशन के साथ ही आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना होगा ताकि अपनी खामियां पहचानते हुए आप उन्हें सुधार सकें।
बार बार सिर्फ थ्योरी पढ़ने की जगह आपको सीमैट के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और जहां कहीं आप अटक जाएंगे उसका कंफ्यूजन क्लियर करना होगा। 3 महीना बहुत ही कम समय होता है जो सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपकी तैयारी मजबूत होगी और एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो एडवांटेज मिलेगा। तो जो लोग सीमैट टॉप करते हैं 90 से 100% स्कोर करने के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, इसे रिवील करें तो हाई स्कोर करने के लिए कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है जिसमें कैंडिडेट कॉन्फिडेंट हो ताकि पेनल्टी या नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके। अगर आप हर सेक्शन में 10 से 15 सवाल भी अटेम्प्ट करेंगे तो 90 से 100% पा सकते हैं। सीमैट टॉपर्स खुद ये बात कहते हैं। 352 से 372 मार्क्स हासिल करने वाले सीमैट टॉपर्स जैसे सुरेंद्र एन शर्मा, क्षितिज मदान, अरविंद शंकर, सुमित मिश्रा जैसे कैंडिडेट्स भी कंफर्टेबल ना होने पर ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर हाईएस्ट एक्यूरेट अटेम्प्ट के साथ हर सेक्शन से 15 से 17 सवाल भी सॉल्व किए जाएं, तो 99 to 100% का माइलस्टोन अचीव किया जा सकता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सीमैट की क्लैरिटी मिल गई होगी और आप हमारे बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पक्की बात है कि सीमैट आप जरूर से क्रैक कर लेंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इन अमेजिंग जानकारियों के साथ जो आपकी मदद करती है हर बार बार बार। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा उन सभी के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, लिख भेजिए। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।